हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होप कि सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास फिफ्थ के सब्जेक्ट इंग्लिश के नेशनल अचीवमेंट सर्वे टेस्ट को सॉल्व करेंगे जो कि नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा दिया गया है तो शुरू करते हैं फर्स्ट है पार्ट वन रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दिए गए पैसेज को पढ़िए और क्वेश्चन के आंसर दीजिए बच्चों आपके इस पैसेज का टॉपिक है पिन कोड पिन कोड वॉज स्टार्टेड ऑन फिफ्टींथ अगस्त 1972 सेवेंटी टू बाय द पोस्टल टेलीग्राफ डिपार्टमेंट इन द नेम ऑफ पोस्टल नंबर स्कीम बच्चों पिन कोड को कब स्टार्ट किया गया पिन कोड को पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ बहत्तर में पोस्टल टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के द्वारा पोस्टल नंबर स्कीम के नाम से शुरू किया गया था वर्ड पिन इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ पोस्टल इंडेक्स नंबर पिन शब्द जो है वो पोस्टल इंडेक्स नंबर का फॉर्म है पिन कोड ऑफ एनी प्लेस इज ऑफ सिक्स डिजिट किसी भी जगह का जो पिन कोड होता है वो सिक्स डिजिट्स का होता है ईच नंबर हैज़ अ स्पेसिफिक लोकल मीनिंग प्रत्येक नंबर का अपना एक विशेष अर्थ होता है फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए द नंबर ऑन द एनवेलप सेंड टू एन सी ई आर टी इज एन सी ई आर टी को भेजे जाने वाले एन वेल्प पर जो नंबर है वो है वन वन जीरो जीरो वन सिक्स द डिजिट इन द फर्स्ट पोजिशन इंडिकेट्स वेदर दिस पिन कोड बिलोंग्स टू दिल्ली. बच्चों इसकी जो फर्स्ट डिजिट है वो ये इंडिकेट करती है कि ये जो पिन कोड है ये दिल्ली हरियाणा हिमाचल प्रदेश पंजाब और जम्मू कश्मीर से संबंधित है द नेक्स्ट टू डिजिट्स अगली दो डिजिट दैट इज वन जीरो जो कि वन जीरो डिसाइड ये डिसाइड करती हैं दैट इट इज़ द कोड ऑफ दिल्ली सब रीजन ऑफ दिल्ली ये डिसाइड करती हैं कि ये जो कोड है वो दिल्ली के सब रीजन का है इट मीन्स उसके एरिया का है नेशनल कैपिटल रीजन द नेक्स्ट थ्री डिजिट्स दैट इज़ ज़ीरो वन सिक्स अगली जो तीन डिजिट्स हैं वो हैं जीरो वन सिक्स इज़ द कोड इज़ द कोड ऑफ द पोस्ट ऑफिस ऑफ दिल्ली सब रीजन ये जो है दिल्ली का जो सब एरिया है उसके पोस्ट ऑफिस का कोड है फ्रॉम वेयर जहाँ से द मेल इज़ डिस्ट्रीब्यूट वहाँ से जो मेल है उन्हें बांटा जाता है पिन कोड इंफॉर्मेशन कैन बी ऑप्टेंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस पिन कोड की जो इंफॉर्मेशन है जानकारी है उसे पोस्ट ऑफिस से प्राप्त किया जा सकता है पिन कोड डायरेक्टरी इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन पोस्ट ऑफिस पिन कोड डायरेक्टरी पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध होती है जैसे कि टेलीफोन डायरेक्टरी, द पिन कोड ऑफ योर एरिया विल बी रिटर्न ऑन द लेटर बॉक्स इंस्टॉल इन योर लोकेलिटी आपकी जो लोकेलिटी का पिन कोड है वो आपके लोकेलिटी में इंस्टॉल्ड किए गए लेटर बॉक्स पर लिखा हुआ होगा नाउ क्वेश्चन ए इन विच स्कीम डिड पोस्टल टेलीग्राफ डिपार्टमेंट स्टार्ट द पिन कोड किस स्कीम में पोस्टल डिपार्टमेंट ने पिन कोड को स्टार्ट किया तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन हैं पोस्टल न्यूमेरिकल स्कीम पोस्टल नंबर स्कीम पेस्टल नंबर स्कीम पोस्टल इंडिया स्कीम तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड पोस्टल नंबर स्कीम नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर गिवन एट द फर्स्ट पोजीशन इन द पिन कोड इज़ द कोड ऑफ द पिन कोड में शुरू की जो फर्स्ट डिजिट होती है वो किसका कोड होता है स्टेट का सिटी का विलेज का या फिर कंट्री का तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर वन ये बच्चों स्टेट का कोड होता है नेक्स्ट इज फ्रॉम वेयर कैन द पिन कोड इंफॉर्मेशन बी ऑप्टेन कहाँ से पिन कोड की इंफॉर्मेशन को ऑप्टेन किया जा सकता है ऑप्शन आर जू चिड़ियाघर पोस्ट ऑफिस म्यूजियम टिकेट ऑफिस तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड पोस्ट ऑफिस से नेक्स्ट इज हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन पिन कोड पिन कोड में कितनी डिजिट्स होती हैं ऑप्शंस हैं फोर फाइव सिक्स और तो सेवन तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री सिक्स होती हैं द फॉर्म ऑफ द वर्ड पिन इज पिन वर्ड की फुल फॉर्म क्या है ऑप्शंस आर पेस्टल इंडेक्स नंबर पोस्टल इंडेक्स नंबर पोस्टल इंडिया नंबर पेस्टल इंडिया नंबर तो बच्चों करेक्ट आंसर है पोस्टल इंडेक्स नंबर नाउ पार्ट टू लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो केयरफुल्ली नीचे दी गई पिक्चर को ध्यान से देखिए एंड आंसर द क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर दीजिए बच्चों फर्स्ट है हु इज पुटिंग ब्रिक्स ऑन द वॉल दीवार पर ईंटों को कौन लगा रहा है ऑप्शन आर पेंटर मैसन कारपेंटर लेबर तो बच्चों इसका आंसर है मैसन इट मीन्स राजमिस्त्री जो है वो दीवार पर ईंटों को लगा रहा है नेक्स्ट इज वाई इज द लेबर होल्डिंग द लैडर मजदूर ने सीढ़ी को क्यों पकड़ा है ऑप्शन आर सो दैट द लैडर डज नॉट स्लिप ताकि जो लैडर है वो स्लिप ना हो सो दैट ही कैन ड्रॉप द इलेक्ट्रीशियन ताकि वह इलेक्ट्रीशियन को नीचे गिरा सके नेक्स्ट इज सो दैट ही कैन लुक अपसाइड ताकि वह ऊपर देख सकता है सो दैट ही कैन लर्न दैट टास्क या फिर वह उस कार्य को सीख सकता है तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर वन सो डज नॉट स्लिप ताकि जो है वो खिसके ना नेक्स्ट इज वॉट इज द कारपेंटर होल्डिंग इन हिज राइट हैंड जो कारपेंटर है बढ़ई उसके राइट right हैंड में क्या है उसने क्या पकड़ रखा है ऑप्शन ब्रश स्क्रू ड्राइवर हैमर तो बच्चे इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर हैमर हैमर कहते हैं हथौड़े को तो बच्चों आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कारपेंटर में कारपेंटर ने अपने राइट हैंड में हैमर लिए हुए है अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर नाइन व्हाट इज द इलेक्ट्रीशियन रिपेयरिंग इलेक्ट्रीशियन क्या सही कर रहा है ऑप्शन आर बल्ब विंडो डोर लैडर तो बच्चे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर वन बल्ब वह बल्ब को रिपेयर कर रहा है नेक्स्ट इज वॉट इज द होल पिक्चर स्विंग जो पिक्चर है ये क्या शो कर रही है ऑप्शन आर पेंटर्स जॉब वर्क ऑफ वेरियस वर्कर्स कारपेंट्री लेबर्स वर्क तो बच्चों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड वर्क ऑफ वेरियस वर्कर्स अलग अलग जो वर्कर्स हैं उनके कार्य को यह पिक्चर जो है वो शो कर रही है नाउ पार्ट नंबर थ्री रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन इस पैसेज को पढ़िए और क्वेश्चंस के आंसर दीजिए मकर संक्रांति बच्चों ये इस पैसेज का टॉपिक है इन तमिलनाडु तमिलनाडु में मकर संक्रांति और द हार्वेस्ट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज पोंगल मकर संक्रांति या फिर कह सकते हैं कि हार्वेस्ट फेस्टिवल को पोंगल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है ऑन दिस डे इस दिन पर खरीफ क्रॉप्स लाइक राइस तुर एट्सेट्रा आर हार्वेस्टेड एंड रीच होम्स खरीफ की फसलें जैसे कि चावल तुर आदि ये फसलें जो हैं इन्हें काट लिया जाता है और घर पर पहुंचाया जाता है पीपल ग्राइंड न्यू पैडी एंड टेकआउट राइस लोग जो हैं धान की बालों को ग्राइंड करते हैं और उनमें से चावल निकालते हैं ए न्यू अर्थन पॉट इज ब्रॉड इन एवरी हाउस प्रत्येक घर में एक नया पॉट जो है उसे तैयार किया जाता है इन विच न्यू राइस जिसमें नए चावल मिल्क दूध एंड जैगरी और गुड़ आर पुट रखा जाता है इन द सन टू इट सूर्य की धूप में इसे पकने के लिए टर्मरिक इज कंसिडर्ड ऑस्पीशियस इट इज टाइड अराउंड द माउथ ऑफ द पॉट बच्चों अब हल्दी को क्या किया जाता है इसे जो पॉट है उसके मुंह के चारों तरफ बांध दिया जाता है द पॉट इज़ कैप्ड इन द सन और उस बर्तन को धूप में तब तक रखा जाता है टिल टेन टू ट्वेल्व ओ क्लॉक इन द डे टाइम दिन में टेन से ट्वेल्व ओ क्लॉक तक एज सुन एज द मिल्क राइज जैसे ही जो दूध है वो राइज होता है एंड द मिल्क एंड राइस स्टार्ट फॉलिंग आउट ऑफ द पॉट और जो मिल्क और चावल हैं वो उस पॉट से बाहर की तरफ गिरने लगते हैं द साउंड ऑफ पोंगला पोंगल पोंगला पोंगल आर हेयर ये जो बच्चे साउंड है इसे सुना जाता है ऑन द अदर हैंड अब दूसरी तरफ विदाउट काइड्स बिना पतंगों के द सेलिब्रेशन ऑफ मकर संक्रांति वुड बी कंसिडर्ड इनकम्प्लीट इन गुजरात गुजरात में मकर संक्रांति के सेलिब्रेशन को अधूरा माना जाता है इफ यू लुक टूवर्ड्स द स्काई ऑन दिस डे यदि आप इस दिन आकाश की तरफ देखें यू विल प्रोबेबली फाइंड काइट्स ऑफ ऑल शेप्स एंड साइज फ्लाइंग इन द स्काई तो आप आकाश में प्रत्येक साइज की प्रत्येक शेप की काइट्स को देखेंगे एवरी गुजराती इेस्पेक्टिव ऑफ़ रिलीजन कास्ट और एज फ्लाइज अ काइट बच्चों प्रत्येक गुजराती चाहे वो किसी भी धर्म का हो किसी भी कास्ट का हो या फिर कह सकते हैं किसी भी एज का हो वो काइट को उड़ाता है द सन इज ऑल्सो कवर्ड बाई थाउजेंड्स ऑफ काइट और जो सूर्य है वो हजारों पतंगों से कवर्ड इट मीन्स ढक जाता है मकर संक्रांति इज ऑल्सो नोन एज घुगुतिया इन कुमाऊ कुमाऊ में मकर संक्रांति को घुगुतिया के नाम से जाना जाता है ऑन दिस डे इस दिन डिस आर प्रिपेयर बाय नीडिंग फ्लोर एंड जैगरी बच्चों जो डिस हैं उन्हें गुड़ और आटे के साथ बनाया जाता है डिफरेंट शेप्स आर गिवन टू दीज डिशेज और इन डिशेज को अलग अलग आकार दिए जाते हैं लाइक like जैसे कि डमरू सोल दादिम फ्लॉर एटसेट्रा जैसे कि डमरू तलवार दादिम फूल आदि आफ्टर फ्राइंग द डिस अब डिस को पकने के बाद इज थ्रेडेड इनटू ए गार्लैंड इन्हें एक माला के रूप में बांध दिया जाता है अब क्वेश्चन है बच्चों द सेलिब्रेशन ऑफ मकर संक्रांति इन गुजरात इज कंसिडर्ड इनकम्प्लीट विदाउट गुजरात में मकर संक्रांति का जो सेलिब्रेशन है उसे कब जो है इनकम्प्लीट माना जाता है बिना किसके राइस ऑटमील काइट और बुक तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री काइट इट मीन्स काइट के बिना इसे अधूरा माना जाता है नाउ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ड गुजरात गुजरात जो शब्द है वो क्या है तो बच्चों ऑप्शंस हैं नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव तो बच्चों इसका सही आंसर है नाउन नेक्स्ट इज इज कंसिडर्ड ऑस्पीशियस इन तमिलनाडु इट इज टाइड अराउंड द माउथ ऑफ द पॉट व्हेन पीपल कुक मिल्क एंड राइस बच्चों किसको जो है तमिलनाडु में बहुत ही ऑस्पीसियस माना जाता है और इसे उस पॉट के मुंह के चारों ओर बांध दिया जाता है जब मिल्क और राइस जो है उन्हें पकाया जाता है तो बच्चों ऑप्शन है क्यूमिन कोरिएंडर, रेड चिली टर्मरिक तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर टर्मरिक नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ब इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो वर्ब नहीं है तो बच्चों फर्स्ट है ब्रिंग ब्रिंग लाना ये एक वर्ब है सेलिब्रेट सेलिब्रेट इट मीन्स सेलिब्रेशन करना मनाना ये भी वर्ब है नेक्स्ट इज गार्लैंड गार्लैंड कहते हैं माला को ड्रॉप ड्रॉप कहते हैं बूंद गिरना तो बच्चों इसका आंसर है गार्लैंड ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट है वॉट इज मकर संक्रांति कॉल्ड इन कुमाऊ कुमाऊ में मकर संक्रांति को क्या कहा जाता है ऑप्शन आर पोंगल सरहुल घुगुतिया खिचड़ी तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड घुघुतिया Students, if you like this video, please like and share. And if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.